गुलाबी हिमनंद बर्फ रहस्यमय रूप से एल्प्स में आजकल दिख रही है। इटली के एल्प्स पर्वतमाला पर गुलाबी शैवाल की बर्फ मिली है। इस चौंकाने वाले घटनाक्रम के बाद वैज्ञानिकों द्वारा इस शैवाल का परीक्षण शुरू कर दिया गया है। इसे जलवायु परिवर्तन से जोड़कर देखा जा रहा है। अभी इस बात पर बहस जारी है कि आखिर ये गुलाबी शैवाल कहाँ से आई, लेकिन इटली के नेशनल रिसर्च काउंसिल ने कहा है कि गुलाबी बर्फ प्रेसेना ग्लेशियर के कुछ हिस्सों में देखी गई थी और इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि ग्रीनलैंड में जो पौधा पाया गया था ये उसकी वजह से हुआ है। डिमोरो, जिसने स्विट्जरलैंड में मॉर्तराश ग्लेशियर पर मौजूद शैवाल का पहले भी अध्ययन किया था, उनका कहना है कि यह शैवाल खतरनाक नहीं है, ये गर्मी और वसंत के मौसम में होने वाला एक प्राकृतिक घटनाक्रम है। एक पौधा जिसका नाम एनकिलोनिमा है, वह ग्रीनलैंड के डार्क जोन में पाया जाता है जहाँ बर्फ भी पिघलती है। आमतौर पर बर्फ सूर्य के 80% विकिरणों का वातावरण में लौटा देती है, लेकिन जब शैवाल उत्पन्न होती है तो वो बर्फ को ढक लेती है और इससे ज्यादा गर्मी अवशोषित होती है और इस वजह से बर्फ तेजी से पिघलने लगती है। जितनी ज्यादा मात्रा में शैवाल होती है उतनी तेजी से बर्फ का पिघलना होता है। इसी के कारण सफेद बर्फ में लाल रंग के अवशेषों को जोड़कर 2618 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाती है। डिमोरो ने आगे ये भी कहा कि विकिरण के तपत्रित अवशोषण के कारण बर्फ को गहरा करने वाली हर चीज तेजी से पिघलती है। हम पृथ्वी के अधिक गर्म होने पर मानव के अलावा अन्य घटनाक्रमों के प्रभाव को निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं। पैदल यात्री और बर्फ स्केटिंग उछाल की भी शैवाल पर प्रभावित कर सकते हैं। इस रंगीन बर्फ को तरबूज बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। शोधकर्ताओं के अनुसार अल्प्स पर्वतमाला में ये बहुत अधिक दिखाई दे रही है, लेकिन ये एकमात्र जगह नहीं है जहां पर ऐसे गुलाबी बर्फ दिखाई दिया है। हाल ही ग्रीनलैंड के डार्क जोन में ये गुलाबी बर्फ देखा गया था जो बर्फ के पिघलने के कारण हो रहा है। इसके साथ साथ हाल ही में अलास्का और अंटार्कटिका में भी गुलाबी और लाल बर्फ देखने की खबरें आई हैं।